से बड़ी जानकारी, आपको बताएं कि चौथी मंजिल से गिरकर ठेकेदार की मौत। सरिया की सेटिंग करते हुए यह हादसा हुआ है, पैर फिसलने से चौथी मंजिल से गिरा ठेकेदार। सरिया का ठेकेदार था, आपको बताएं कि विजय नाम का मृतक है ये। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फरीदाबाद से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, हालांकि ये तस्वीरें भी देख लीजिए, जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है, लगातार जांच भी की जा रही है। तो आसपास काफी लोग मौजूद भी हैं। पैर फिसलने से चौथी मंजिल से गिरा है ये ठेकेदार। टीडीआई ग्रुप में किसी ने व्यक्तिगत प्लाट लिया हुआ है, इसमें चार फ्लोर बन रहे हैं, चौथे फ्लोर पे सरिये का काम चल रहा था और विजय नाम का आदमी सरिये का काम कर रहा है, कई दिन से लेबर का काम करता है। जब ज़रूरत होती है, जब सरिये का काम का समय आता है, तो उस वक्त तो काम करने आते हैं। इनका बेटा भी यहाँ काम कर रहा है। आज इनकी गिर के ऊपर चौथी मंजिल से, पाँचवीं मंजिल से, चौथी मंजिल के ऊपर वाले माले से गिर के मौत हो गई है। इस इन्फॉर्मेशन पर हम आए हैं, डेड बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा रहे हैं और जो भी वो बयान देंगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी फरीदाबाद से जयप्रकाश भाटी जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से बताइए। जी साधना जी, फरीदाबाद के सेक्टर 89 में मकान में सरिया का काम करने का काम करता था ठेकेदार है, और इसका नाम जो है विजय कुमार सिंह बताया जा रहा है। इसकी उम्र जो है 48 साल, और रात का एक पूरा वाक्य है, रात के करीब 2 से 2:30 के बीच में ये व्यक्ति जब सरिया का काम कर रहा था, उसके बाद इसका पैर जो है वो फिसल गया, फिसलने से इसकी जो है नीचे गिरने से मौत हो गई। और परिजनों का साफ तौर पर आरोप है कि अगर ये रात का मामला है तो पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई, हमको सूचना क्यों नहीं दी गई, अगर मौका रहता तो इस अस्पताल में भिजवा दिया जाता, इसका उपचार किया जाता, काश ये बच जाता। लेकिन परिवार का साफ आरोप है कि जो मकान मालिक है उस पर कार्रवाई हो, पुलिस भी कार्रवाई की बात जो है वो कर रही है, और परिजन जो शिकायत देंगे उस पर कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाएगी। जी चलिए जयप्रकाश, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आपको बताएं कि इस मामले में हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं परिजनों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए।